करे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र नाम से हमें मिला हुआ सारी आशीष के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका दिया हुआ आर्थिक आशीषों से एक भाग आपका राज्य में बोया है। आपका दिया बिना हमारा पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपसे पा लिया। आज आपने ये सौभाग्य दिया हम आपके राज्य में बोल सके। प्रभु हम विश्वास करते हैं अब हमें से कोई भी आर्थिक तंगी में नहीं रहेंगे, भरपूरी में रहेंगे, क्योंकि यीशु क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया, हम यीशु में धनी हो गया। प्रभु की महिमा के लिए हमारी धन इस्तेमाल हो जाए, महिमा आपको मिले यीशु का नाम में। आमेन आमेन। प्रभु हमें बहुत आशीष करे। हालेलुया। हम परमेश्वर की वचन सुनने से पहले हम एक बच्चा है उसकी डेडिकेशन है, हम उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम बच्चों के बारे में हम सब लोग ध्यान से सुनना है। बाइबल कहते हैं बच्चा परमेश्वर की दिया हुआ प्रतिफल है, परमेश्वर की दिया हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। बहुत सारे परिवार के जीवन में जब बच्चा आ जाते हैं अपना ध्यान पूरा बच्चे की ओर चला जाता है। ध्यान से सुनना यहाँ पर है। हालेलुया। बच्चा आ जाते तो ध्यान किसके पास चले जाते हैं? बच्चे के पास चला जाते हैं। बहुत सारे परिवार की लड़ाई का कारण बच्चा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं बच्चे के प्रति अब पति पत्नी लड़ेगा बच्चा सुधरेगा नहीं, बच्चा आशीषित नहीं होगा। पति पत्नी प्रेम से रहेगा बच्चा आशीषित हो जाते। आमीन। पिछले दिन एक सिस्टर ने बोला है मैं बच्चों के प्रति ज़्यादा ध्यान देने लग गया है, मेरे परिवार के अंदर बहुत सारी गड़बड़ आ गई, लेकिन बहुत देर से मुझे पता चला, तब तक बहुत समय बीत चुका था। तो इसलिए बच्चा परमेश्वर आपके दिया हुआ आशीष है, आपको परमेश्वर की ऑर्डर परमेश्वर के क्रम को जानना जरूरी है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का क्रम, बोलो परमेश्वर का क्रम। सबसे आपका जीवन के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है, उसके बाद में रिलेशनशिप में पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना है। पति पत्नी एक है इस संसार में, परमेश्वर ने दिया हुआ रिश्ता में मजबूत रिश्ता कौन सा होना चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर जिएंगे उस परिवार में शैतान के काम नहीं हो सकता। आप यीशु में आ गया, पहले हमारा जीवन में सच्चाई की ज्ञान की कमी थी, तो अब पति पत्नी मिलकर रहना, पति और पत्नी का दोष लगाना, पत्नी पति का दोष लगाने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग अपने जीवन में, कुछ लोग आकर बोलते हैं हमें पति पत्नी के साथ उनके लड़ाई हो गया, पति पत्नी पति के घर पे, पत्नी पत्नी के घर पे रहते हैं, मुझे मेरा बेटा मिल जाए, मुझे मेरा बेटी मिल जाए, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? आपको पता है पिछले दिन एक सिस्टर आकर मुझे बोला है, मैंने अपने बच्चों के लिए जिया लेकिन शादी करके वो बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया, मैं तो अब अकेला हो गया। अगर पति हो अकेला नहीं होगा, पत्नी हो तो अकेला नहीं होगा, जिंदगी भर आपका साथ रहने के लिए प्रभु ने दिया हुआ पति पत्नी। जब आप लोग मिलकर रहेगा आपका जीवन में क्या होगा, आपका बच्चा भी आशीषित होगा, आप भी आशीषित होगा, बहुत लोग आशीषित होंगे। ये सारी बातें समझना है, परमेश्वर की वचन से ये सीखने के लिए आपको मिलेगा। आज एक परिवार है, हम्बर है, आपका नाम राज, सुनील और नीति, इन दोनों को परमेश्वर ने दिया। आपको पता है ये चमत्कार है, ये चर्च में आकर कितना समय हो गया, सुनील आप आगे आइए ना, कितना समय हो गया चर्च में आया, 3 साल हो गया। इनका शादी होकर कितना साल के बाद में मिला बच्चा, 18 साल के बाद में बच्चा मिला, 18 साल तक बच्चा नहीं था, और प्रभु में आया, प्रार्थना किया, प्रभु ने असंभव संभव में बदल दिया। हालेलुया, पास के व्यक्ति को बोलो मेरा यीशु महान है। हालेलुया, हम इस बच्चे को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, आमेन। में प्रिय सुनील को और नीति को कहना चाहते, ये बच्चा परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, ठीक है, आमेन। ये बच्चे को अब बहुत प्यार करना, लेकिन सुनील नीति को प्यार करना, नीति सुनील को प्यार करना, आप दोनों प्रभु का वचन के अनुसार जिएंगे, ये बच्चा आशीषित होंगे, ठीक है। इनको परमेश्वर की वचन से सिखाना बहुत जरूरी है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, परमेश्वर की वचन। बाइबल कहते हैं प्रभु का वचन, बालक होने के समय उसको वचन सिखा दे, आपके घर पे वचन पढ़े और आपके घर पे प्रभु का गीत सुने, ये बच्चा प्रभु में आशीषित हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रभु ने आशीष करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। कलीसिया को भी इस बच्चे के प्रति बहुत बड़ा जिम्मेदारी, ये परिवार का सदस्य है, हमारे चर्च में एक नया परिवार, नया सदस्य आ गया है, इनके ऊपर हमारा भी जिम्मेदारी है। कितना लोग बोलेंगे मैं जिम्मेदार हूँ, इनको प्रभु का वचन, इनके लिए प्रार्थना करना हमारा भी जिम्मेदारी है, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्यारी बेटी को आपका पवित्र हाथों में समर्पित करते, प्रिय सुनील और निधि को आपने दिया हुआ ये अद्भुत तरीके से प्रभु आपकी महिमा के लिए दिया हुआ बेटी है प्रभु। पिछले 18 सालों में प्रभु इस परिवार बहुत प्रभु दुखी थे अपनी जीवन में एक पीढ़ी के लिए, लेकिन प्रभु आपके पास आया, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप असंभव को संभव में बदल दिया है। हम विश्वास करते ये आपकी ओर से मिला हुआ चमत्कार है, आपकी ओर से मिला हुआ परमेश्वर का प्रतिफल है। ये प्रभु यीशु आपका हाथ में हम समर्पित करते हैं, ये आपका ही है, ये आपके लिए जिएंगे। प्रिय सुनील को और नीति को प्रभु ये बेटी को आपकी महिमा के लिए तैयार करने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना है प्रभु। आपका वचन इस बेटी का जीवन में आधार बने, आपकी सच्चाई और धार्मिकता में ये परिवार आगे बढ़े, ताकि ये बेटी बेटी प्रभु की महिमा के लिए आशीषित हो जाए, परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए और इनको सिखाने के लिए। प्रभु आप इस परिवार को सामर्थ्य बना दे, पवित्र आत्मा मदद करे। हम इस बेटी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से आशीष बोलते हैं, परमेश्वर का ज्ञान और सुरक्षा और आशीष इस बेटी के जीवन में बोलते हैं। आपने ऐसे किया, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में, आमेन एंड आमेन आमेन। हालेलुया, ये बहुत प्रार्थना के द्वारा मिला हुआ एक बेटी है, हम इस बेटी को एक प्रार्थना वाली बेटी बना देंगे। यस्तर बहुत बड़ा प्रार्थना करने वाली बेटी था, इसका नाम यस्तर रखेंगे। हालेलुया, इसका नाम यस्तर, हालेलुया।
प्रभु आपको आशीष करे. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. हालेलुया, आमेन. परमेश्वर भी कितना बड़ा चमत्कार करते हैं. जो इस बेटी की, इस परिवार की जो परमेश्वर ने किया, वह बातों को हम देखकर, हमें विश्वास करना है आपका जीवन में भी प्रभु ऐसे चमत्कार जल्दी करने वाला. आपने असंभव, आपका जीवन के असंभव संभव में बदल जाएंगे. काफ़ी साल की इंतजार में प्रभु अब उत्तर देने जा रहे. पास के व्यक्ति को बोलो, काफ़ी साल की इंतजार की उत्तर जल्दी प्रभु देने वाला है. हालेलुया, यीशु में हमारा जीवन में चमत्कार. आमीन, प्रभु आशीष करे. कितने लोग भजन से सुनना चाहते हैं आज हमारा मध्य में? परमेश्वर का दास पास्टर साजन ईशो पास्टर है, वो हमसे बात करेंगे. बैठो. साजन ईशो पास्टर है और पास्टर अंग्रेजी में प्रचार करेंगे और वो हिंदी में अनुवाद करने के लिए हमारा पास्टर विल्सन रामचंद्रन है, उनको स्वागत करेंगे. पास्टर ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड. और प्रभु हमारा मध्य में पास्टर को लेके आए, हम सच में आशीषित हैं. ताली बजा कर उन्हें फिर से स्वागत. धन्यवाद पास्टर. हालेलुया. I'm very blessed to be here this morning. मैं आज यहाँ खड़ा होकर बहुत आशीषित हूँ. I'm blessed by your faith. आपके विश्वास से मैं आशीषित हुआ हूँ. I was blessed by your testimonies. और आपकी गवाहियों को सुनकर मुझे आशीष मिले. Hallelujah. Hallelujah. So, you know, this morning I just want to share with you what God has put in my heart. सुबह मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे दिल में दी है. What I have experienced, I want to share with you. जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. In the book of Ephesians, chapter 1. Ephesians की पत्री पहला अध्याय. Verse 11. ग्यारहवां वचन. Ephesians chapter 1, verse 11. Ephesians 1 का 11. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. That's quite different. 11. In him we have obtained an inheritance being predestined. उसी में पहले से ठहराए जाकर हमने मीरास पाई. So it talks about an inheritance. तो यहाँ पर एक मीरास के बारे में या उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है. Inheritance is available for children. उत्तराधिकार बच्चों को मिलता है. Inheritance is something that you don't work for. और ये मीरास ऐसी चीज है जिसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते हैं. It comes automatically to you. वो अपने आप आपको मिलता है. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk about your inheritance and my inheritance. मैं आपकी मीरास के बारे में, मेरी मीरास के बारे में बात करना चाहता हूँ. For many years, I was not aware that I had an inheritance. कई सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एक मीरास है. I have a natural father. मेरे एक शारीरिक पिता हैं. So I will receive an inheritance from him. तो मुझे उनसे संपत्ति मिलेगी, विरासत मिलेगी. But the inheritance that I will receive from my father is limited. लेकिन मेरे शारीरिक पिता से जो मीरास मुझे मिलने वाली है उसकी एक सीमा है. Hallelujah. Hallelujah. But my father in heaven had already set apart an inheritance for me. लेकिन स्वर्ग में मेरे पिता ने मेरे लिए पहले से ही एक मीरास ठहराई है. And he did not set it apart after I was born. और उसने मेरे जन्म के बाद उसे मेरे लिए नहीं ठहराया. Even before I was born, he had wrote an inheritance for me. मेरे जन्म लेने से पहले ही उसने मेरे लिए उस मीरास को लिख दिया. How many are happy that you have an inheritance? कितने लोग ये जानकर खुश हैं कि आपके लिए एक मीरास है? You know, your natural father may not have a lot of money. शायद आपके शारीरिक पिता के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा. You might have found that your natural parents have not even cared about you. शायद आपको ये पता चला होगा कि आपके शारीरिक माता-पिता को आपकी परवाह तक नहीं है.
But this God, लेकिन ये परमेश्वर, He cares so much for you, वो आपकी इतनी चिंता करता है, that He set apart an inheritance for you in advance, कि उसने आपके लिए पहले से ही एक मिरास ठहरा दी. Suppose all these are my children, मान लीजिए ये सारे मेरे बच्चे हैं. And then I have some money that I want to distribute among them. और मेरे पास कुछ पैसा है जो मैं इनमें बांटना चाहता हूँ. So I will look at who is the oldest. तो मैं ये देखूँगा कि सबसे बड़ा कौन है. Who is looking after me? कौन मेरी देखभाल कर रहा है. Who is very nice? कौन मेरे लिए अच्छा है. But with God, लेकिन परमेश्वर के लिए, So I have some standards. तो मैं कुछ सोच के कुछ स्तर के अनुसार करता हूँ. And I will distribute my inheritance according. To what I like in them. और मेरी जायदाद को उनमें जो मुझे पसंद आता है उसके अनुसार मैं बांटता हूँ. But our God, लेकिन हमारा परमेश्वर, He set an inheritance. उसने एक मिरास रखी है. Before I was born. वो कब रखी? मेरे जन्म से पहले. Even if I'm naughty, चाहे मैं शरारती हूँ, He will still give me an inheritance. तो भी वो मुझे मिरास देगा. Even if I don't obey what he has said, चाहे मैं उसकी बात ना मानू, he will still give me an inheritance. तो भी वो मुझे मिरास देगा. He has written down the inheritance for me. उसने मेरे लिए उस मिरास को लिखा है. So the inheritance written for me, तो मेरे लिए जो लिखा गया है, that is not based on my behavior. वो मेरे व्यवहार पर आधारित नहीं है. And it is based on his goodness. ये उसकी भलाई पर आधारित है. समझ रहे हो आप? Are you understanding what I'm saying? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? All of you have an inheritance in God. परमेश्वर में आप सब की एक मिरास है. For many years, कई सालों तक, I lived without being aware of this inheritance in God. मुझे परमेश्वर में मेरी इस मिरास की कोई जानकारी नहीं थी. And nobody told me that I have an inheritance. और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि मेरी ऐसी कोई मिरास है. And then I found out that I have an inheritance. और फिर मुझे ये पता चला कि परमेश्वर में मेरी एक मिरास है. Now how did God, who told me about it, or who brought me awareness about this inheritance? अब किसने मुझे इसके बारे में बताया या इसकी जानकारी मुझे किसने दी? In Ephesians chapter 1, Ephesians पहले अध्याय में, you know, it says, so I'll talk to you what our inheritances are, but before that, Ephesians 1 verse 4. मैं बताऊंगा आपको कि हमारी मिरास क्या क्या, लेकिन उससे पहले Ephesians 1 का 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों. हालेलुया, हालेलुया. This was done before the foundation of the world. ये जगत की उत्पत्ति से पहले किया गया. Before the foundation, he already had set apart an inheritance for me. जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने मेरे लिए एक उत्तराधिकार ठहरा दिया. Not only that, he adopted me as his son. इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे के रूप में मुझे गोद लिया. But all this thing was done through Jesus Christ. लेकिन ये सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा की गई. Are you understanding what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. Hallelujah. So Jesus Christ. तो यीशु मसीह came so that he would come and talk to me. इसलिए आया कि वो मुझसे बात करे. And then he would tell me, you have an inheritance, my son. और वो मुझे ये बताए कि मेरे बेटे तेरे लिए एक मिरास है. I have left an inheritance for you. मैंने तेरे लिए एक मिरास रखी है. That is what our father is saying to you. और यही बात पिता आपसे कह रहा है. Come, I will introduce you to my father. और वो कहता है, आ मैं तुझे मेरे पिता से मिलवाता हूँ. And so in that way I got introduced to the father. और इस तरह से मैं पिता से मिलता हूँ. I was not good boy when I was introduced to my father. जब मैं पिता से मिलवाया गया तब मैं अच्छा बालक नहीं था. Out of his love, he still had adopted me. लेकिन अपने प्रेम में उसके बावजूद उसने मुझे गोद लिया. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? It was not because I was good he adopted me. मैं अच्छा था इसलिए उसने मुझे गोद नहीं लिया. He did not take me as a son because I had done everything well. मैंने सब कुछ अच्छा किया था इसलिए मुझे उसने अपना बेटा नहीं बनाया. He did not make me his son because I was very good looking. मैं दिखने में बहुत सुंदर था इसलिए उसने मुझे अपना बेटा नहीं बनाया. He still adopted me as I was. जैसे मैं था ऐसा उसने मुझे गोद लिया. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. Hallelujah. And so he has made you aware of an inheritance. और उसने आपको आपकी मिरास के बारे में बताया.
What is this inheritance that we are talking about? ये क्या है ये जो मीरास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? It says in verse 3. तीसरे वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. He has given us all spiritual blessings in heavenly places. उसने स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आत्मिक आशीषें दी हैं. In addition to all those spiritual blessings, और उन सारी आत्मिक आशीषों के अलावा, He has also given me good health. उसने मुझे अच्छी तंदुरुस्ती भी दी है. He has also provided financial blessings for me. उसने मेरे लिए आर्थिक आशीष दी है. Are you understanding what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है? If I did not have a family to connect with, He gave me a family in church. अगर मेरे पास कोई परिवार नहीं था जिससे मैं जुड़ सकूं तो कलीसिया में उसने मुझे एक परिवार दिया. Whatever was lacking in my life, He gave it to me as an inheritance. मेरी जिंदगी में जो कुछ भी कमी थी उसे मीरास के रूप में उसने मुझे दिया. He has given it free. और उसने मुफ्त में ये दिया है. I don't have to work hard for it. मुझे उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है. But it was done through Jesus Christ. लेकिन ये काम यीशु मसीह के द्वारा किया गया. When Jesus died on the cross for me, जब यीशु क्रूस पर मेरे लिए मरा, He paid the price that had to be paid to buy me back. He redeemed me. उसने वो कीमत चुकाई जो मुझे वापस खरीदने के लिए, मेरे छुटकारे के लिए जरूरी थी. You have to understand that I was adopted back into the family. और हमें इस बात को समझना है कि मुझे फिर से वापस उस परिवार में गोद लिया गया. Why? Because I had sold myself because of my sinful life. I had sold myself to somebody. क्यों? क्योंकि अपनी पापी जिंदगी के कारण मैंने अपने आप को किसी और के हाथों बेच दिया था. Suppose I sell myself. मान लो मैं अगर अपने आप को बेच दूं. Now I am his slave. तो अब मैं अगर इनका गुलाम हूं. So I have no longer got any money to buy myself out of this. और अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने आप को इस गुलामी से आजाद कर सकूं. So my sin made me a slave. तो मेरे पाप ने मुझे एक गुलाम बना दिया. My sin brought me under slavery. मेरा पाप मुझे गुलामी में ले गया. I could not buy myself out of this. और मैं अपने आप को उससे आजाद नहीं कर पाया. Hallelujah. Hallelujah. When I did not know Jesus Christ. जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था. I was in bondage of many addictions. तब मैं बहुत सी लतों के अधीन था. Many addictions. बहुत सारी नशे या ऐसी लतों के अंदर. And I tried my best to get out of it. और मैं उन लतों से निकलने की पूरी मैंने कोशिश की. But I could not do it in my own strength. लेकिन अपनी ताकत से मैं वो नहीं कर पाया. I would have demonic visitations. और दुष्टात्माओं का हमला मुझ पर होता. But I could not protect myself. लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाता था. But then I realized through Jesus Christ. लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि यीशु मसीह के द्वारा That I have an inheritance. मेरी एक मीरास है. Because of the inheritance. और उस मीरास के कारण My health was restored. मेरी तंदुरुस्ती वापस आई. Are you understanding what I'm saying? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Because my father in heaven is a rich father. क्योंकि स्वर्ग का मेरा पिता एक अमीर पिता है. He has got good health with him. उसके पास पूरी तंदुरुस्ती है. He is able to give me health back. वो मेरी तंदुरुस्ती वापस लौटा सकता है. He was able to set me free from All the demonic attacks. और उसने मुझे दुष्टात्माओं के सारे हमलों से छुटकारा दिया. Hallelujah. Hallelujah. You know, this morning our brother was sharing the story about blind Bartimaeus. और आज सुबह भाई अंधे बर्तिमाई की कहानी बता रहे थे. I was like blind Bartimaeus. मैं उसी अंधे बर्तिमाई की तरह था. So imagine this: if you are blind, what will happen? आप सोच के देखिए, अगर आप अंधे हैं तो क्या होगा? You are walking around without direction. आपको पता नहीं कि आप किधर जा रहे हैं. You are walking and you will fall down because you don't know what is in front of you. और आप गिर जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं आपके सामने क्या है. Hallelujah. Hallelujah. My condition was like that. मेरी हालत ऐसी ही थी. And it was like everybody was passing by. If you see a blind man, he will always need somebody's help to go from one place to the other place. अगर आप किसी अंधे आदमी को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा उसको किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है. Another problem with a blind person is that they, you know, they
they feel like they are left behind and everybody else is passing by. और अंधे आदमी की एक और दिक्कत ये होती है, उनको लगता है कि वो पीछे रह गया, बाकी सब लोग आगे निकलते जा रहे हैं. I was like that. मैं ऐसा ही था. I was a blind person seated on the side and everybody else was passing by. मैं एक अंधा व्यक्ति था जो किनारे पर बैठा था, बाकी सब लोग आगे निकलते जा रहे थे. You know, everybody else was getting a job. बाकी सबको नौकरी मिल रही थी. But I was left behind. लेकिन मैं पीछे रह गया. Everybody else was getting married. बाकी सबकी शादी हो रही थी. I was left behind. मैं पीछे रह गया. They were all buying cars and other vehicles that they wanted, but I was left behind. बाकी सब लोग कारें गाड़ियां खरीद रहे थे जो भी चाहते थे, लेकिन मैं पीछे रह गया. Are you understanding? So blindness is just not eye blindness with the eye, but blindness can be because you are not able to see your future. तो ये अंधापन सिर्फ आंखों का अंधापन नहीं है, वो अंधापन इस कारण भी है कि आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं. The problems in our life are so many that you cannot see how you will face tomorrow. हमारी जिंदगी की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि आप ये नहीं देख पाते हैं कि हम कल का सामना कैसे करेंगे. How many of you understand what I'm saying? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? Hallelujah. Hallelujah. So my condition was like that. तो मेरी हालत ऐसी ही थी. And I was seated on the side. और मैं किनारे पर बैठा था. You know, a blind person it does not have voice in society. और एक अंधा आदमी जो होता है समाज में, उसकी कोई आवाज नहीं होती है. I had no voice in society. और समाज में मेरी भी कोई आवाज नहीं थी. It's just like blind Bartimai when he started calling out, Jesus have mercy on me. जैसे अंधा बर्तिमाई पुकारने लगा कि यीशु मुझ पर दया कर. The Bible says. Bible कहती है. People all around him said, keep quiet. उसके आसपास के सब लोगों ने कहा चुप रहे. Hallelujah. Hallelujah. That it is like that. और ये ऐसा ही है. When you are crying out saying somebody help me, everybody will say shut up because you are disturbing our peace. जब आप पुकारने लगते हैं कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, तो हर कोई कहता है चुप रहे क्योंकि हम उनकी शांति को खत्म कर रहे हैं. They will say keep quiet, you are disturbing whatever good is happening in my life. वो लोग ये कहेंगे तू चुप रहे, मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें तू परेशानी खड़ी कर रहा है. They will say keep quiet because you are not worthy of getting this. वो लोग कहेंगे चुप रहे क्योंकि तू इसे पाने के लायक नहीं है. They will tell you keep quiet because you know you are not good looking, you don't have education, it is because your parents did this or that. लोग तुम आपसे ये कहेंगे कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, या तेरे माता-पिता ने ऐसा किया, या दिखने में तू सुंदर नहीं है इसलिए तू चुप कर. Because you are not worthy of it. क्योंकि तू इसके लायक नहीं है. And so blind Bartimai is sitting there and they are saying keep quiet, keep quiet. तो अंधा बर्तिमाई वहां बैठा और लोग उससे कहते हैं चुप कर चुप कर. Jesus is walking surrounded by many people. और यीशु लोगों की बड़ी भीड़ के साथ वहां आता है. He's surrounded by a lot of people. वो बड़े काफी लोगों की भीड़ से घिरा है. They are talking to each other. वो लोग आपस में बात कर रहे हैं. There is a big sound happening. एक बड़ा शोर वहां हो रहा है. Nobody can hear each other over each other's voice. और कोई भी एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाता. Hallelujah. Hallelujah. In the midst of all this noise. लेकिन इस सारे शोर के बीच में The Bible says. Bible कहती है. Jesus stopped in his path. यीशु अपने रास्ते पर रुका. He had heard the voice of Bartimai. उसने बर्तिमाई की आवाज को सुना. Today let me tell you. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ. When I was crying out like that. जब मैं उस तरह से पुकार रहा था. And nobody was bothered about what was happening with me. और किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है. They did not understand the pain I was going through. उनको मेरा दर्द जिसको मैं झेल रहा था वो समझ में नहीं आता था. I could not sleep at night. मैं रात में सो नहीं सकता था. For 3 years I have not slept for more than 3 hours. 3 साल तक मैं रात में 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोया. Every night I would feel like somebody was coming and crushing my head. हर रात मुझे लगता कि कोई आकर मेरे सिर को दबा रहा है, कुचल रहा है. Hallelujah. Hallelujah. I had severe itching in my body. और मेरे शरीर में बहुत तेज खुजली होती रहती थी. I was fighting with everybody. हर किसी से मैं लड़ाई करता. And in that time. और उस समय. When I called out Jesus. जब मैंने पुकारा यीशु.
It did not take more than half a second for him to respond. तो जवाब देने में उसको एक आधे सेकंड से भी ज्यादा का समय नहीं लगा. He picked me up. उसने मुझे उठाया. He took me to daddy. वो मुझे डैडी के पास ले गया. And he said, daddy, here's Sajan. और उसने कहा, डैडी ये साजन है. And to me he said, you have an inheritance. और मुझसे उसने कहा, साजन तेरे लिए एक मीरास मेरे पास है. All this while you were behaving like a beggar. अभी तक तू एक भिखारी की तरह बर्ताव कर रहा था. You were sitting on the side. And everybody was passing you. तू किनारे पर बैठा था, सब लोग आगे निकल रहे थे. You were like a beggar. तू एक भिखारी की तरह था. But in reality, you were the son of the King of Kings. लेकिन असल में तू राजाओं के राजा का बेटा है. In reality, there is a big inheritance for you. असल में तेरे लिए एक बड़ी जायदाद है. You are not poor. तू गरीब नहीं है. You don't have to stay sick. तुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं है. You don't have to let the demons crush your head like तुझे दुष्टात्माओं के हमले को हर दिन झेलने की जरूरत नहीं है. You don't have to suffer with insomnia. तुझे अनिद्रा से बेचैनी से जूझने की जरूरत नहीं है. In the evening you should be able to go to sleep peacefully. और रात को तुझे आराम से सोना है. The demonic spirits cannot come into your room and sit on your bed anymore. दुष्टात्मा अब से ना तो तेरे कमरे में आ सकती है, ना तेरे बिस्तर पर बैठ सकती है. Your head will not be full of evil thoughts. अब तेरा सिर, तेरा दिमाग बुरे विचारों से भरा नहीं रहेगा. You are not a failure. तू हारा हुआ नहीं है. You are not somebody who is not useful. तू ऐसा नहीं है जो बेकार हो. You are a useful son. तू एक उपयोगी बेटा है. You are in the nature of your father. तेरा स्वभाव अपने पिता का स्वभाव है. You are in the very image of your father. तू अपने पिता का स्वरूप है. You are the son of a king. तू एक राजा का बेटा है. You are the son of a overcomer. तू एक जीतने वाले का बेटा है. You are the son of one who tramples and goes forward. तू उसका बेटा है जो कुचल कर आगे बढ़ता है. Hallelujah. 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 You know, my education, my color, none of these things mattered to him. मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा रंग, इन किसी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया. I had been a failure. मैं एक हारा हुआ व्यक्ति था. When I tried to go for looking for a job, I would not even get a proper job. जब मैंने नौकरी ढूंढी तो एक अच्छी नौकरी तक मुझे नहीं मिली. But I am the son of a king. लेकिन मैं एक राजा का बेटा हूँ. Now he put a new garment on me. अब उसने मुझे एक नया वस्त्र पहनाया. He started giving me new thoughts. वो मुझे नए विचार देने लगा. I realized that I am the son of a king. और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं राजा का बेटा हूँ. Wherever I go, doors have to open. जहाँ भी मैं जाता हूँ दरवाजों को खुलना पड़ेगा. Sickness will flee where I go. जहाँ मैं जाऊँगा बीमारी भाग जाएगी. Demons will go. दुष्टात्माएं भाग जाएंगी. Hallelujah. Hallelujah. I'm a person of influence. मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ. I'm a person of influence. मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ. People will respect me. लोग मेरा आदर करेंगे. They will not pass me as if I was a useless fellow. वे लोग मुझे बेकार समझ के मुझसे आगे नहीं निकलेंगे. They will respect. वो लोग मेरा आदर करेंगे. This was my inheritance. और यही मेरी मिरास थी. You know the Bible says. बाइबल कहती है. He will make you the head and not the tail. कि वो आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा. How many of you would like to be the head and not the tail? और कितने लोग पूंछ की बजाय सिर बनना चाहते हैं? How many of you? Come on. God wants you to know that you are the head and not the tail. परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप पूंछ नहीं, आप सिर हैं. You know, this morning when I was preparing, आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था, God asked me to share about the story of Bartimai. परमेश्वर ने मुझसे बर्तिमाय की कहानी बताने के लिए कहा. And at worship time, my brother here starts talking about Bartimai. और आराधना के समय में भाई ने बर्तिमाय के बारे में बताना शुरू किया. We did not talk to each other. हमने आपस में कोई बात नहीं की. But the Holy Spirit spoke to him. This is what I'm going to share today. लेकिन पवित्र आत्मा ने उनसे बात की कि मैं आज ये बताने जा रहा हूँ. I'm very sure God has got somebody in his heart today. और मुझे पूरा भरोसा है कि आज परमेश्वर के दिल में यहाँ बैठा हुआ कोई ना कोई है. There is somebody watching online who feels like Bartimai. या फिर कोई ऑनलाइन देख रहा है जिसको लगता है कि वो बर्तिमाई जैसा है. They may not have physical blindness. शायद वो शारीरिक रूप से अंधे नहीं होंगे. But the circumstances of their life is such that they feel blinded. लेकिन उनकी जिंदगी के हालात ऐसे हैं कि उनको लगता है वो अंधे हैं. They don't know how to go forward. उनको पता नहीं आगे कैसे जाएं. It is
इज इम्पॉसिबल, उनके लिए वो असंभव है. दे आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, उनको नौकरी नहीं मिल रही है. सिकनेस इन देयर लाइफ एंड देयर फैमिली, उनके परिवार में उनकी जिंदगी में बीमारी है. देयर हस्बैंड हैज लेफ्ट और द वाइफ हैज लेफ्ट एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, पति छोड़ के चला गया या पत्नी छोड़कर चली गई और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें. दे हैव गॉट चिल्ड्रन हु आर रेडी एंड एलिजिबल फॉर मैरिज एंड इट इज नॉट हैपनिंग, उनके बच्चे शादी की उम्र के हो गए हैं लेकिन शादी हो नहीं रही है. दे हैव ट्राइड एवरीथिंग इन देयर कैपेसिटी, उन्होंने जो कुछ हो सकता था सब कुछ करके देख लिया. बट दे डोंट नो हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, लेकिन पता नहीं इसमें वो आगे कैसे बढ़े. लेट मी टेल यू टुडे, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यू आर द चाइल्ड ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, आप राजाओं के राजा की संतान है. एंड यू हैव एन इनहेरिटेंस, और आपकी एक मीरास है. यू हैव एन इनहेरिटेंस, आपकी एक मीरास है. एनीबॉडी हु हैज एन इनहेरिटेंस यू कैन क्लेम इट, अगर जिस किसी के पास कोई मीरास है आप उस पर दावा कर सकते हैं. यू नो फर्स्ट व्हाट God did is he gave the inheritance to Jesus. सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, उसने मीरास यीशु को दी. See, inheritance becomes available only when a person dies. मीरास केवल अगले व्यक्ति के लिए तब उपलब्ध होती है जब किसी की मृत्यु हो. And when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, he wrote down my name Sajan Isho. उसने मेरा नाम लिखा Sajan Isho. He will get a share. उसको हिस्सा मिलेगा. Wilson. He will get a share. उसको हिस्सा मिलेगा. A pastor, Chandivargis, he will get a share. Pastor Chandivargis को हिस्सा मिलेगा. He wrote your names. You will get a share. उसने आपका नाम लिखा और कहा आपको हिस्सा मिलेगा. I don't know your name, but my Father in heaven knows each one of you. मैं आपका नाम नहीं जानता लेकिन स्वर्ग का मेरा पिता आप में से हर एक का नाम जानता है. Because Jesus wrote his your name in blood. क्योंकि यीशु ने अपने खून से आपका नाम लिखा. He has written it in bold letters. उसने बड़े-बड़े अक्षरों में उसे लिखा है. Hallelujah. Hallelujah. And now you can go and stand before the Father and claim your inheritance. और अब आप पिता के सामने खड़े होकर अपने उस हिस्से को मांग सकते हैं. Not only do you get financial blessings, सिर्फ आपको आर्थिक आशीष ही नहीं मिलेगी. Not only health blessings, सिर्फ तंदुरुस्ती ही नहीं मिलेगी. But you will also become a helper in his kingdom. बल्कि आप उसके राज्य में सहायक भी बनेंगे. The Bible says he has appointed you as kings and priests. बाइबल कहती है उसने तुम्हें राजा और याजक ठहराया है. You have seen what pastor does here. आपने देखा है कि पास्टर यहाँ क्या करते हैं. Pastor speaks the word of God. पास्टर परमेश्वर का वचन बोलते हैं. He prays for people. लोगों के लिए दुआ करते हैं. You think people get healed because of his power? क्या आपको लगता है कि लोगों को चंगाई पास्टर की ताकत से मिलती है? Or do you think it is because he has got an inheritance in Christ? या फिर इसलिए चंगाई मिलती है कि मसीह में उनको एक मिरास मिली है. So when he prays, people get healed. तो जब वो दुआ करते हैं लोगों को चंगाई मिलती है. You will do the same. आप भी ऐसा ही करेंगे. You will do the same. आप भी यही काम करेंगे. Because you have spiritual inheritance. क्योंकि आपको भी एक आत्मिक मिरास मिली है. Come on, let's give the Lord a hand. हम जो से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. यू नो यू हैव मेनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स. आपके पास बहुत सी आत्मिक आशीषें हैं. नाउ इन द पास्ट यू डिड नॉट नो व्हाट योर फ्यूचर हेल्ड. पहले आपको पता नहीं था कि आपका भविष्य क्या होगा. बट होली स्पिरिट इज योर पार्ट ऑफ योर इनहेरिटेंस. लेकिन पवित्र आत्मा आपकी उस मीरास का एक हिस्सा है. एंड इन द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा में, यू कैन प्रे एंड मिरेकल्स विल हैपन. आप दुआ कर सकते हैं और चमत्कार होंगे. इफ इट रेन्स, यू कैन कमांड द रेन टू स्टॉप एंड इट विल स्टॉप. अगर बारिश हो रही है आप कहेंगे बारिश रुक जाए तो वो रुक जाएगी. यू नो आई मूव्ड टू न्यूजीलैंड. मैं न्यूजीलैंड में गया. एंड आई हैड नो मनी. और मैं वहां रहता था, मेरे पास पैसा नहीं था. वी वुड वॉश द क्लोथ्स. हम कपड़े धोते. एंड वी वुड पुट इट ऑन द वॉशिंग लाइन. और उसको सुखाने के लिए डाल देते. एंड द क्लाउड्स विल कम. बादल आते. I had a 4.5-year-old daughter with me. और मेरी 4.5 साल की बेटी मेरे साथ थी. We would stand and command the clouds, it will not rain till my clothes dry. हम वहाँ खड़े होकर बादलों को आज्ञा देते कि जब तक कपड़े सूख न जाएं बारिश नहीं होगी. You know my daughter learned it. She is 4.5 only. मेरी बेटी ने इसको सीखा, वो सिर्फ 4.5 साल की थी. She told me, Daddy, you go sleep. I will take care of the clouds. बेटी ने मुझसे कहा, Daddy, आप जाके सो जाओ, बादलों को मैं संभाल लूँगी. Because she understood her inheritance. क्योंकि वो अपने मीरास को समझ गई. She understood her inheritance. वो अपनी मीरास को समझ गई. Hallelujah. Hallelujah. You know God is our provider. परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है. So there was a time when she wanted to buy something. तो एक समय था जब उसे कुछ खरीदने की जरूरत थी. So I said to her, बेटा. तो मैंने उसे कहा, बेटा.
I can't buy that for you. मैं वो आपके लिए नहीं खरीद सकता. But you have a daddy in heaven. लेकिन स्वर्ग में तुम्हारा एक डैडी है. He will be able to give that to you. वो तुम्हें दे सकता है. So she prayed for a few weeks. तो उसने कुछ हफ्ते प्रार्थना की. You know, God supernaturally gave it to her as a gift through somebody. और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से किसी दूसरे के द्वारा उपहार के रूप में वो उसे दिलाया. Are you understanding? You have an inheritance. क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपकी एक मीरास है? This was brought to you by Jesus Christ. और यीशु मसीह वो आपके लिए लाया है. No effort on my side can earn that inheritance. मेरी कोई भी मेहनत उस जायदाद को कमा नहीं सकती. You are a priest. आप एक याजक हैं. You are a king. आप एक राजा हैं. You know, kings operate differently than ordinary people. और आपको पता है कि राजा लोग साधारण लोगों से अलग तरीके से जीते हैं. Hallelujah. Hallelujah. They operate with authority. उनका काम अधिकार के साथ होता है. They understand authority. वो अधिकार को समझते हैं. You know, in the past, demons used to visit me. अतीत में दुष्टात्माएं मेरे जीवन में आती थी. Now they run when I come. लेकिन अब जब मैं आता हूँ तो वो भाग जाती हैं. Because in the Holy Spirit, He has given me power to cast the demons out. क्योंकि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने मुझे दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया है. I have now learned that I can use the name of Jesus Christ to cast out demons. अब मैं सीख गया हूं कि दुष्टात्माओं को निकालने के लिए मैं यीशु के नाम का इस्तेमाल कर सकता हूं. You have an inheritance. आपकी एक मीरास है. You have an inheritance. आपकी एक मीरास है. You are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं हैं. You are kings and priests. आप राजा और याजक हैं. Hallelujah. Hallelujah. Another spiritual blessing that you have. एक और आत्मिक आशीष जो आपके पास है. You know, in the past you wondered what your future is. पहले अतीत में आप सोचते होंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा. God will give you prophetic messages that you can tell others what their future is. लेकिन अब परमेश्वर आपको ऐसे भविष्यवाणी के वचन देगा कि आप दूसरों को बताएंगे उनका भविष्य क्या होगा. Hallelujah. Hallelujah. That's part of your inheritance. वो आपकी मीरास का एक हिस्सा है. Jesus Father had already written, God had already written this in your name before the foundation of the earth. पिता परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आपके नाम में उसे लिख दिया था. You know, if you look in Galatians chapter 5, अगर आप गलातियों पांचवें अध्याय में देखें, there are other inheritances that are due to you. वहां पर कुछ और मीरासों के बारे में बताया गया जो आपकी हैं. Love. प्रेम. You might have been felt unloved all these years. शायद इतने सालों तक आपने कभी प्रेम को महसूस नहीं किया होगा. You have felt always unloved and unwanted. शायद आपको हमेशा लगा था कि आप किसी के लिए भी आप प्रिय नहीं हैं, आपको कोई चाहता नहीं है. God says it's part of your inheritance. लेकिन परमेश्वर कहता है वो प्रेम आपकी मीरास का हिस्सा है. You will find that God will bring people around you who will love you. और आप ये देखेंगे कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके पास लाएगा जो आपसे प्रेम करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. And Father God and Jesus and Holy Spirit love you as well. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी आपसे प्रेम करते हैं. You know, people love us because what they can get out of us. लोग हमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें उनसे कुछ ना कुछ मिल जाए. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? They love us because we are good or smart. हम अच्छे हैं या स्मार्ट हैं इसलिए लोग हमसे प्रेम करते हैं. My Father in heaven loves me because I am his son. लेकिन मेरा स्वर्ग का पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ. I am his son. मैं उसका बेटा हूँ. I am his son. मैं उसका बेटा हूँ. Tell your neighbor that you are the child of God. अपने पड़ोसी से की ओर मुड़कर बोलिए आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं. Your Father loves you. कहिए आपका पिता आपसे प्रेम करता है. You will never again feel unloved. और फिर कभी आप अप्रिय महसूस नहीं करेंगे. You will never again feel unwanted. और फिर कभी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई आपको नहीं चाहता है. You know, for a long time you may have never experienced joy or peace. हो सकता है लंबे समय तक आपने कभी भी जीवन में आनंद या शांति को महसूस नहीं किया होगा. You know, there is a difference between happiness and joy. खुशी और आनंद के बीच में अंतर है. Happiness is when I have everything. खुशी तब मुझे मिलती है जब मेरे पास सब कुछ होता है. But when that is gone, I am unhappy. लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी खुशी भी चली जाती है. But joy is on the inside. लेकिन आनंद अंदर होता है. It gives me contentment. वो मुझे संतुष्टि देता है. Whether I have it or not. चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो.
I will be happy. I will be joyful. मेरे अंदर आनंद होगा. Nobody can steal my joy. कोई मेरे आनंद को चुरा नहीं सकता. Happiness can be stolen. खुशी चुराई जा सकती है. Happiness can be broken. खुशी खत्म हो सकती है. But joy can never be stolen. लेकिन आनंद को कोई आपसे चुरा नहीं सकता. Hallelujah. Hallelujah. The peace that God gives you, nobody can steal. जो शांति परमेश्वर आपको देता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता. I will finish in 2 minutes. मैं 2 मिनट में खत्म करूँगा. You know when Abraham was walking through the land. जब अब्राहम उस जगह पर देश में चल रहा था. He had just a small family with him. और उसका छोटा सा परिवार उसके साथ था. Nobody was there to protect him. उसको उसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं था. He went from one kingdom to the other. वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाता है. Who protected him? उस समय किसने उसकी सुरक्षा की? Tell me who protected him? आप बताइए किसने उसकी सुरक्षा की? God protected him. परमेश्वर ने. He was the one who covered him all the time. परमेश्वर ने उसको हर समय ढक के रखा. He goes into a place called Gerar. वो गरार नाम की जगह पर जाता है. In Gerar, the king comes to him. गरार में राजा उसके पास आता है. And says, Abraham. और कहता है अब्राहम. Can we make a covenant that you will not attack me? क्या हम आपस में एक वाचा बांध सकते हैं कि तू कभी मुझ पर हमला नहीं करेगा? This is the king of a large country coming and talking to Abraham, who is just has got a small family, saying, "Can we make a covenant?" एक बड़े देश का राजा आकर अब्राहम से, जिसके पास छोटा सा परिवार है अपना, उससे आकर कहता, क्या हम आपस में एक वाचा बांध सकते हैं? Let me tell you. The protection of God will come around you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर रहेगी. You may feel very small. आपको लगता होगा कि मैं बहुत छोटा हूँ. You may feel I am very small. आपको लगता होगा मैं बहुत छोटा हूँ. I am all by myself. कि मैं अकेला हूँ. I am all by myself. मैं बस अकेला हूँ. But people will come and say, "Can you be my friend?" लेकिन दूसरे लोग आकर आपसे कहेंगे, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? You will look at them and think they have so much money, they have so much influence. Why would they want my friendship? आप उनको देखकर सोचोगे, उनके पास इतना पैसा है, उनका इतना बड़ा नाम है, ये सब कुछ होने के बावजूद मुझसे दोस्ती क्यों चाहते हैं ये? Because you have inheritance. क्योंकि आपके पास मीरास है. You have an inheritance. आपके पास एक मीरास है. Now I want to tell you one last thing. और अब एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ. Just like you found your name on the list of inheritance. जैसे मीरास की उस लिस्ट में, सूची में आपको अपना नाम मिला. There are members in your family who do not know that their name is on the list. आपके परिवार में ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि इस लिस्ट में उनका नाम है. There are many around in your neighborhood who do not know that their name is also on the list. आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि उस मीरास की सूची में उनका भी नाम है. It is your responsibility and my responsibility to come and tell them. Your name is also on the list. ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको जाकर बताएं कि आपका नाम भी उस मीरास की सूची में है. Think about this. If pastor realized that his name is on the list. इसके बारे में सोचे कि अगर आप पास्टर को पता चलता है कि उनका नाम उस लिस्ट में है. And if he had kept quiet. और उसके बावजूद अगर वो चुप रहते हैं. Then would you have discovered your name on the list? अगर वो चुप रहते तो क्या आपको पता चलता कि आपका नाम भी उस सूची में है? Are you understanding what I'm saying? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? We have to tell others about their name being on the list. तो हमें दूसरों को भी ये बताना है कि उनका भी नाम इस लिस्ट में है. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Hallelujah. Let's just all close our eyes and हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में सिर झुकाएंगे. Hallelujah. हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं. आज परमेश्वर हमसे बात किया है. मुझे नहीं मालूम कितना लोगों को ये बातें समझ में आ गया है. हम में से बहुत सारे लोग इस संसार की बाप की मिराज के लिए, उसकी जो जायदाद के लिए आप लड़ते हैं. अगर सच्चा पिता की ओर से मिलने वाला मिराज को आप जान लेते हैं तो ये संसार की धन के लिए, संसार का पिता ने दिया वो, उसके लिए आप लड़ेगा नहीं. क्योंकि स्वर्गीय पिता हमें देने वाला जो इनहेरिटेंस है वो मीरास है, वो आपका सोच से परे हैं, हम सबकी सोच से परे हैं. हालेलुया. हमें इस संसार का बाप हमें देने वाला सारी जायदाद या जब मीरास है उसका लिमिटेशन होते हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं,
लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जब देते हैं वो उसका सीमा नहीं है, वो समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास आमीन बहुत है। ओ हालेलुया, कितना लोग विश्वास करते मेरा नाम भी उसमें लिख दिया गया है। जगत की उत्पत्ति से पहले स्वर्ग का पिता मेरा जीवन में मेरा नाम भी उसमें लिख दिया है, ताकि मैं भी उसकी आमीन सारी मिरास की इनहेरिटेंस मुझे भी मिले। रोबाहान दियनी आमा से थेरियांदले। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु में मिला हुआ मिरास, यीशु में मुझे मिला हुआ मिरास और उस इनहेरिटेंस को याद करे याद करे याद करे। आमीन, उसमें चंगाई है, उसमें आपकी जीवन की हर जरूरत है, उसकी जीवन में शांति है, उस मिरास में धन दौलत है, उस मिरास में आपको यात्रा करने के लिए सारी प्रोविजन है। आमीन, उस मिरास में आपके बच्चों के प्रोविजन है, सब कुछ है। उस मिरास में इस संसार में जीने के लिए सिर्फ नहीं है, अनंत काल के लिए भी आपका जीवन के लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा हुआ है। प्रभु धन्यवाद करे, प्रभु आपने इस मिरासत इस की आमीन योग्यता मुझे दिया है, आपने मेरे लिए रखा हुआ इनहेरिटेंस के लिए धन्यवाद। आमीन, बाइबल इसलिए कहते सच्चाई जानोगे सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई यही है, हम मसीह में वो स्वर्ग की सारी आशीष के लिए आमीन पारिश हो गया है। हालेलुया, बोलो मैं आमीन परमेश्वर की सारी आशीष के लिए वारिस है। ओ मैं प्रभु में आशीषित हूँ, अब मुझे किसी भले वस्तु की कमी नहीं होंगे, अब मैं बीमार नहीं रह सकता, यीशु में मैं चंगे हो गया है, अब मैं गरीब नहीं रह सकता, यीशु में मैं धनी हो चुका है। प्यारे पिता यीशु मसीह का नाम से आज हम पर बोया हुआ सारे वचन प्रभु यीशु मसीह एक एक व्यक्ति का हृदय में बसे, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आने पाए। पवित्र आत्मा सबको समझने के लिए मदद करे, ये वचन सबका जीवन में आशीष का कारण बने। आपने इसे किया धन्यवाद। वजन प्रचार करने के लिए पास्टर को आपने सामर्थ दिया धन्यवाद। अनुवाद करने के लिए पास्टर विल्सन को आपने सामर्थ दिया धन्यवाद। सब बातों में महिमा आपको मिले यीशु का नाम में, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, आमेन। प्रभु हमें आशीष दिया, कितने लोग आशीषित है सच में आज परमेश्वर हमसे बात किया।